देश भर में कृषि कानून का विरोध लगातार जारी। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया भारत बंद का ऐलान। भाकपा माले और आरजेडी ने भी किया पुरजोर विरोध। रांची में पुलिस ने किसान को खेत से घसीट कर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। रांची में प्रदेश यूथ कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की सरकार पर साधा निशाना। बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे मौजूद। जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने एक शख्स को दिन दहाड़े मारी गोली। गोली लगने से शख्स की इलाज के दौरान मौत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं झारखंड की खबरों के साथ। मधुपुर उपचुनाव को लेकर एक तरफ प्रदेश में सियासी हलचल जोरों पर है, ऐसे में सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता मधुपुर दौरे पर हैं। इसी कड़ी में सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन मधुपुर पहुंचे थे और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को अचूक हथियार बताया और उनकी पीठ भी थपथपाई। मुख्यमंत्री के इस बयान पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार में इरफान अंसारी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कामों को आईना दिखाते रहते हैं, इसीलिए सीएम उन्हें अचूक हथियार बता रहे हैं। विधायकों में एक ऐसे विधायक है कि जहां भी इसको जिसके ऊपर भी इसको चला दो ये अचूक हथियार और जो सबसे कारगर शस्त्र में से राजनीतिक शस्त्र में से एक। अब अभिजुल भी इसमें जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे अनेक लोग हैं यहां। इस बार हमारे पास जितने फौज है, नहीं देखिए, इरफान जी एक सन ऑफ द सॉयल हैं, झारखंड के मूलवासी हैं और वो समय समय पर बड़े अच्छे मुद्दों को भी उठाते हैं। उन्होंने अपनी सरकार को भी कहा था कि इसमें जिस तरीके का भ्रष्टाचार है वो अकल्पनीय है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के बारे में भी कहा था कि मैट्रिक पास स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं की धज्जियां उड़ा दी। और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसका मिला जुला असर झारखंड में देखने को मिला। कृषि कानून को वापस लेने को लेकर भाकपा माले और आरजेडी सड़क पर उतर गए और इसका पुरजोर विरोध किया गया। इस पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और भारत बंद को बेमतलब बताया। साथ ही विपक्ष की पार्टी पर किसानों को बरगलाने का आरोप भी लगाया गया है। देखिए, 130 करोड़ की आबादी में इस देश में बहुसंख्यक जो आबादी है वो किसानों की, लेकिन कुछ ही हज़ार लोग रोडों पे दिख रहे हैं और कहीं कहीं रोड को जाम किए जाने की खबरें आई हैं। झारखंड में पलामू में ऐसी सूचना आ रही है, इक्का दुक्का एक दो जगह पे और आ रहा है। तो पूरे तरीके से ये सिर्फ डेढ़ राज्य का आंदोलन है और सबसे जो गंभीर बात वो है कि इनको नक्सलियों ने समर्थन दिया और इन्होंने नक्सलियों के समर्थन को ठुकराया नहीं है, ना ही उसकी निंदा की है, ना ही सार्वजनिक रूप से जो आंदोलन कर रहे नेता हैं उन्होंने कहा है कि हम राष्ट्र विरोधी शक्तियों का समर्थन नहीं लेंगे। तो ये अपने आप में बहुत सारे संदेहों और सवालों को जन्म देता है। और सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार लगातार वार्ता के लिए तैयार है। 12 से ज़्यादा दौर का वार्ता हो चुका है। लिखित में आश्वासन देने को केंद्र सरकार बहुत सारे मुद्दों पर भी तैयार है। फिर भी अगर कोई डेडलॉक नहीं टूट रहा तो कहीं ना कहीं कुछ अदृश्य राजनीतिक शक्तियाँ हैं, वो नहीं चाहती कि इसका सौहार्दपूर्ण हल। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में झारखंड के घटक दल के नेता अलग अलग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जहां टीएमसी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेगी तो कांग्रेस के नेता वामदलों का प्रचार कर रहे हैं। इससे एक और तरफ जहां टीएमसी कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां एक साथ खड़ी हुई हैं, तो वहीं झारखंड में घटक दलों की ओर से पश्चिम बंगाल के चुनाव में अलग अलग खेमों में चुनाव प्रचार करने पर पक्ष और विपक्ष की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ भी देखने को मिल रही हैं। लड़ भी रहे हैं तो क्यों, पहले अपने लड़ने वाले थे,
बाद में अब सपोर्ट में आ गए, तो ये सारी चीज़ों को जनता जो है वो बंगाल की समझ रही है। कहाँ दावा ठोक रहे थे कि हम लड़ेंगे 20 सीट पर 25 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वक्त उठा लीजिए कुछ दिन पहले का। अब बाद में वो दीदी ने जब कहा कि आदिवासियों के लिए तो हम काम करते हैं तो समर्थन में चले गए, तो पता नहीं कौन सी बात हुई, क्या डील हुआ, किस प्रकार के समझौते हुए, ये तो वो लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए जब हम विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम कामों का आकलन पर बयान दे रहे हैं, हम सामाजिक ध्रुवीकरण पर और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर हमारा बयान नहीं हो रहा है, हमारा बयान हो रहा है बंगाल के विकास के ऊपर। अगर ममता दी बंगाल का विकास नहीं कर रही हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम कहेंगे कि बंगाल का विकास जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो रफ्तार से नहीं हो पा रहा। और किसानों को हितैषी बताने वाली झारखंड सरकार की राज्य में किसानों को पुलिस के द्वारा पीटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गढ़वा जिले में सरकारी जमीन खाली कराने के नाम पर किसानों को पुलिस के द्वारा पीटते हुए वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि यही है झारखंड सरकार का किसानों के प्रति असली प्रेम। वहीं इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए हेमंत सोरेन ने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कहा, मामला मेरे संज्ञान में है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा चाहे दोषी कोई भी हो। हमारी भी संज्ञान में आई है और हमें लगता है कि इसका क्या मामला है, पहले इस मामले को पूरी तरह से जांच कर लिया जाएगा और स्वाभाविक तौर पे सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और इस मामले में दोषी व्यक्तियों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। अभिनव कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, देखिए बेशक सरकार ये कहे कि किसानों के प्रति हमारा प्रेम है, लेकिन धरातल पर देखिए क्या सच्चाई है, किस तरह से किसानों के साथ व्यवहार है। जिस तरीके से अगर यहाँ हम सरकार की बात करें, गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम की सरकार है, किसानों के समर्थन में आप देखिए कि लगातार जो है बीच बीच में जो किसानों के समर्थन में रैली भी निकाली जाती है, प्रदर्शन भी किया जाता है, किसानों की हितैषी सरकार बात करती है, किसानों के ऋण माफी की बात करती है, कई तरह की बातें करती है किसानों के हित में, लेकिन एक तस्वीर जो सामने आ रही आप दिखा भी रहे हैं जिस तरीके से स्क्रीन पर कि कैसे एक गढ़वा जिले की घटना है जहां पर तस्वीरों के माध्यम से साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पुलिस वहां पर प्रवर्तक कर रही है और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल बाबूलाल जो मरांडी है बीजेपी विधायक दल के नेता है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये वीडियो साझा किया था ट्विटर पे और वहां पर टैग किया था कि किस तरीके से हेमंत सरकार किसानों के हितैषी है, लेकिन यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, क्या एग्जांपल सेट किया जा रहा है। तो ये तस्वीर उन्होंने साझा की थी और हेमंत सरकार पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि उसके बाद देखिए कि मुख्यमंत्री ने की तरफ से जो है ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके संज्ञान लेने की बात कही गई थी, उस पर जो भी है उचित कार्रवाई करने की बात कही गई थी, तो वो उन्होंने किया। हालांकि अगर मैंने कांग्रेस से भी बात की है इस मुद्दे को लेकर तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इसके कोई भी घटना को अंजाम दिया है उस पर पहले जांच होगी और जो भी व्यक्ति होगा इसमें उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके की बातें सामने आती है। देखिए कुछ भी घटना हो तो सरकार सीधी सी बात है अपना कह सकते हैं कि अपनी बात सामने रखती है, उस पर कार्रवाई करने की बात होती है, कार्रवाई क्या होती है नहीं होती है तो बात की बात है, लेकिन इस तरीके की बातें सामने आ रही है तो कह सकते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सागर, लेकिन अभिनव जो कहा गया है कि कार्रवाई की जाएगी, सीएम सोरेन ने संज्ञान लिया, तो अभी तक कार्रवाई कर दी जानी चाहिए थी, क्या अभी तक कुछ एक्शन लिया गया? देखिए अभी तक तो अगर बात करें तो पहले घटना ये यानी कह सकते हैं कि 17 घंटा पहले की घटना बताई जा रही है। बाबूलाल मरांडी का ट्विटर की बात करें तो उन्होंने 17 घंटे पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी थी, उसके बाद
देर बाद ही मुख्यमंत्री का इस पर कह सकते हैं कि ट्विटर के जरिए से उन्होंने जो वहाँ के जो अधिकारी है उनको टैग करके कहा था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। और जहाँ तक अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो नेता है उनसे भी सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए कई बार चीजें जो होती हैं स्तर तक अगर हम बात करें तो पहुंच नहीं पाती हैं और कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि क्या घटना कहां पर हो रहा है। तो अधिकारी अपने अपने तरीके से अगर हम बात करें तो या हम नेताओं की बात करें तो अपने अपने तरीके से सिर्फ बोलते हैं। अब इस पर कितना काम हुआ है नहीं हुआ अभी तक अगर हम जानकारी की बात करें तो अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है। अगर अपडेट आता तो मीडिया से भी साझा किया जाता कि उस पर जो एक्शन लिया गया है, लेकिन अभी तक जो अपडेट हमारे पास आ रहा है कि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया है और कोई भी जो जिसको टैग किया गया था, चूंकि अगर अगर वहां के जो भी अधिकारी होते तो जरूर ट्विटर पे इसको साझा करते कि हाँ जिसने भी घटना को अंजाम दिया गया उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक फिलहाल इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना होगा कैसे अब मामला उठता है फिर आगे, चूंकि अब वीडियो वायरल हो चुका है और शायद लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर संज्ञान ले। पहले तो जांच होगा और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या मामला था और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, अब देख के ही पता चल पाएगा और आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है इसके लिए। जी चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अभिनव। अब प्रदेश यूथ कांग्रेस की कार्य समिति ने एक बैठक का आयोजन किया। यह बैठक कांग्रेस भवन में आयोजित की गई जहां यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय सचिव और अन्य कार्यकर्ता नेता मौजूद दिखाई दिए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि हेमंत सरकार के द्वारा जेपीएससी के माध्यम से एक साथ चार विज्ञापन निकालकर युवाओं के लिए अच्छा काम किया गया। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज भी बुलंद की गई। कि एक बहुत बेहतरीन फैसला कैबिनेट ने लिया कि इस साल चार जेपीएससी ये लोग करवाएंगे तो ये साल रोजगार का साल रहेगा झारखंड में और जितने भी अलग अलग विभाग हैं उन सब से जो भी पद रिक्त हैं उसकी सूचना मंगवाई गई है। तो इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री का कि उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के लिए बहुत एक अच्छी पहल की है। साथ ही साथ आज आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम आज भी उसी तरीके से 30 रुपए का मिल रहा है तेल कंपनियों को पेट्रोल और 25 रुपए का मिल रहा है डीजल जो तेल कंपनियां सरकार को बेच रही हैं। केंद्र सरकार का कर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों की कमर टूट गई। और राजकीय फार्मेसी कॉलेज के सत्र 2017 और दूसरी साल के छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज होकर मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दिया गया। छात्रों का कहना है कि 2 साल 3 महीने के इस कोर्स में 3.5 साल हो जाने के बावजूद भी अब तक परीक्षाएं नहीं हो पाई, जिसको लेकर छात्रों का भविष्य अब अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज हैं छात्र। रांची की ये तस्वीर। जिसमें एक भी दिन का गैप नहीं है। हम लोग का जो सेशन है, हम लोग का जो कोर्स है वो 2 साल 3 महीने का है, पर ऐसा अब हम लोग का एग्ज़ाम में डीले होता है। जो भी जिस तरीके से एग्ज़ाम किया जाता है वो बहुत घटिया तरीका है, कोई उसमें अनुशासन नहीं होता है। और इसी वजह से जो हम लोग का कोर्स अभी तक ख़त्म हो जाना चाहिए ट्रेनिंग के साथ, वो अभी तक स्टार्ट होने का ना वो फाइनल एग्ज़ाम अभी तक स्टार्ट होने का नाम भी नहीं हो रहा है। और ऐसा हम लोग को बता दिया गया है कि 5 तारीख से एग्ज़ाम होगा, पर जिस तरीके का टाइम टेबल निकला है जिसमें एक भी दिन का गैप नहीं है, और जैसे कि कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल हो चुके हैं तो वो कैसे एग्ज़ाम देंगे। एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से हम लोगों का कोर्स 2 साल 3 महीने का है, बट अभी 2021 चल रहा है, हम लोग 3.5 साल वेट कर चुके हैं, अभी तक एग्ज़ाम का कुछ हिसाब नहीं है। बोला जा रहा है कि 5 से एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम शेड्यूल निकाला भी गया है, बट यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के लिए कुछ बात नहीं हो पाया अभी तक। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे अगर हम लोग एडमिट कार्ड के लिए बोलते हैं कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा, तो हमारे जो एग्ज़ाम कमेटी के जो हेड है उनका कहना ये है कि तुम लोग सेंटर पे आओ, तुम लोग को सेंटर में एडमिट कार्ड मिल जाएगा। हम लोग का जो सेशन है, हम लोग का जो कोर्स है वो 2 साल 3 महीने का है, पर ऐसा और गिरिडीह शहर के वृद्धाश्रम में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की प्रेरणा शाखा की ओर से कोविड-19 के टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी वृद्ध को कोरोना वैक्सीन भी दी गई।
कोरोना का कहर और इसलिए वैक्सीनेशन का दौर भी लगातार अब जारी है कि कैसे इस कोरोना से लोगों को बचाया जाए। मंच प्रेरणा शाखा की तरफ से आज कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा कैंप यहाँ वृद्धाश्रम में लगाया गया, क्योंकि लोग हम अपने परिवार से दूर रहते हैं तो हमारा ये सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों के कारण भी फर्ज बनता है कि हम इनका ध्यान रखें। तो इनका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आज हम लोगों ने कैंप लगाया और इन्हें कोविड का टीकाकरण पड़ रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। यहाँ पर करीब 25 लोगों का टीकाकरण हम लोग कर रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और पूर्व मंत्री ने बीजेपी के नेताओं के लगाए आरोप का जवाब दिया। सरयू राय ने अपने बयान में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नज़दीक लोगों का पिछले कुछ दिनों से उनके बयान आ रहे हैं। पहले अभय सिंह, देवेंद्र सिंह, कुणाल सारंगी का उन पर आरोप लगाया है कि युगांतर भारती से मेरे संबंधों की जाँच CBI से कराने की मांग है। इस संस्था का तो सारा हिसाब किताब खुला हुआ है, हमारे विभाग से एक पैसा उनको नहीं मिला और सरकार से जो भी काम लिया है वो टेंडर पर लिया है, मनोनयन पर नहीं मिला है। और तीसरा कि उनका जो काम है, अगर मैंने उनको सहयोग किया है तो बीजेपी के कई सांसदों ने अपने फंड से 10 लाख 15 लाख रुपया दिया है, विदु धोरण महतो ने दिया है, निशिकांत दुबे जी ने दिया है, VD राम ने दिया है, JPN सिंह राज्यसभा सदस्य उन्होंने दिया है, तो कोई मैंने तो अकेले नहीं दिया है, हमने भी अपने फंड से उनके लिए जो जांच की मशीनें होती हैं खरीदवाई हैं, खरीदवा कर दी हैं। और रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए PLFI के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी देते हुए ग्रामीण SP ने कहा है कि उनके पास से 3 लाख नगद, PLFI का लेटर पैड, चंदा उगाही का रसीद सहित स्कूटी और 3 मोबाइल भी बरामद किए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को बहुत शॉर्ट नोटिस में यह सूचना मिली थी कि रामगढ़ इलाका से दिनेश गोप के नाम पे लेवी का पैसा कलेक्ट किया गया और रांची जिला में प्रवेश होते हुए फिर ये कहीं रांची से निकलने कहीं दूसरे जगह जाकर उस पैसा को डिलीवर किया जाए। इसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई में हमारे DSP साहब, कलकत्ता साहब, थाना प्रभारी, हम लोगों ने देश भर में कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया और इसी बंदी का समर्थन नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने भी किया है, जिसके बाद झारखंड पुलिस के साथ ही साथ रेल पुलिस भी सतर्क है। आमतौर पर नक्सलियों का सॉफ्ट टारगेट रेल यातायात होता है, ऐसे में रांची रेल मंडल की ओर से भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे इंतजाम किए गए थे और अब तक बंद का जो असर देखा गया वो मिला जुला ही रहा है। लेकिन BJP ने ये तक कह दिया था आज के दिन कि ये बेअसर रहा पूरा बंद। भारत बंद का अभी तक रांची रेल मंडल में कोई भी असर अभी तक नहीं हुआ है और गाड़ियां जो है सुचारू रूप से चल रही हैं। फिर भी एहतियातन के तौर पे हमारे जो कंट्रोल होता है रेलवे का उसको कम्प्लीटली मैन किया जा रहा है, साथ ही हमारी पेट्रोलिंग टीम जो है वो ट्रैक के पे नज़र रखे हुए है कि कोई भी इस तरह की गतिविधि है उसको सूचना हम लोगों को मिले। RPF GRP के साथ मिलकर पेट्रोलिंग वगैरह कर रही है। स्टेशनों पर भी हम लोगों ने CCTV के द्वारा और अपने जो वॉलंटियर्स हैं, अपने जो स्टाफ हैं, उसके द्वारा हम लोग उसके ऊपर नज़र रखे हुए। और राज्य में बढ़ते अपराध पर ग्रामीण SP नौशाद आलम के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बीते दिन हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अपराधियों में से एक मुख्य अपराधी को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले सिकिदरी थाना क्षेत्र में 2 अपराधियों ने हथियार के बल पर स्कॉर्पियो गाड़ी लूटी थी। ड्राइवर को ओवर पावर कर लिया लोग, गन पॉइंट पे उसका स्कॉर्पियो गाड़ी ले लिया लोग और ये जो बीमारी का तबीयत खराब होने का जो ड्रोन जो रचा हुआ था इसने ही ड्राइवर गाड़ी पूर्ण करके अन्य पर ले जाकर कहीं बेच दिया है।
उसी में इनकी गिरफ्तारी हुई है, उसी में इनकी गिरफ्तारी और बाकी और डी एम ओ गिरफ्तार होना बाकी है। उनको लगता है कि जल्दी गाड़ी भी कवर हो जाएगा और जो भी इसमें संलिप्त लोग, दरअसल ये इनका स्टेट चारपहिया लाइट व्हीकल चोर गिरोह है, लूट गिरोह है, इसको डिटेक्ट करना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसमें भेद खुल गया है कि बाकी इनके गिरोह में कितने लोग हैं और गाड़ी को ये खपाता लोग कहाँ। हमें उम्मीद है कि जल्दी इस पर बाकी। और जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सिद्धगोड़ा बाजार से सामने आया, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को दिन दहाड़े गोली मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बबलू अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल के सामने बैठा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश अपराधी पहुंचा और अंधाधुंध फायरिंग वहां पर शुरू कर दी। उधर बबलू को 5 गोली लगी। आनन फानन में उसे TMS लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाजार में बबलू नाम का टैक्सी ड्राइवर है, उसको गोली लगने की सूचना है। घटनास्थल पर खून को गिरा हुआ पाया गया, लेकिन देख लेते हैं उसकी क्या हालत है, क्या स्थिति है और किसने मारा है, इस बारे में पता लगाकर हम लोग। किसका नाम सामने आ रहा है सर? अभी वो अभी देख लेते हैं, उसके परिजन है, उसे अभी भेटते हुए उससे मिलता है, जिसका नाम भी आता है उसको गोली लगने की अभी ये उसको सत्यापन करने वाले चले। देश भर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया था और झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट का समर्थन भी उन्हें मिला था। इसी कड़ी में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर किसानों के समर्थन में पार्टियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान रोड को जाम करने की कोशिश की गई और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिनव कुमार ने। देखिए आप, में आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद बुलाया गया है और झारखंड में लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी ने इसका समर्थन किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से आरजेडी के लोग हो या लेफ्ट के लोग हो, यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चूँकि किसानों के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कई जो संगठन हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, मालिक हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या वजह है सर? ये संयुक्त मोर्चा का भारत बंद का आह्वान था तीनों कृषि कानून के खिलाफ में, जब वो 120 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसी के समर्थन में हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये मांग कर रहे हैं, किसानों के लिए मांग कर रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून है उसको तत्काल प्रभाव से सरकार वापस ले, MSP की गारंटी करे, और नहीं तो हम लोग सड़कों पर किसान। MSP की तो बात मोदी जी भी कर रहे हैं कि MSP हम हटा कहाँ रहे हैं। तो MSP को कानून बना दे ना, कानूनी रूप दे दे, जिस तरह से वो हर चीज को कानूनी रूप दे रहे हैं, तो MSP को कानूनी रूप दे दे, मामला ही खत्म हो जाएगा। तो ये लड़ाई तो वही चीज का है ना, बोलना करने में अंतर है। एक है कि कानून बना कर उसको लोगों के बीच में देना और एक है कि मुँह से बोलना। तो ये मुँह से तो बोल रहे हैं लेकिन कानून रूप नहीं दे रहे, तो ये कहीं ना कहीं खोट दिखाता है। अगर मोदी सरकार 120 दिनों से लगातार जो किसान आंदोलन में 200 किसानों ने ज्यादा शहादत दी है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते, कहते MSP है, MSP रहेगा, तो भैया लोग ये आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन हमेशा होता रहेगा, मोदी जी इसको सुन ले। देखिए कह रहे हैं कि आंदोलन हमेशा चलता रहेगा, जब तक जो ये कृषि कानून जो पास किए गए हैं जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक इनका विरोध चलता रहेगा। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं अन्य पार्टियों के लोग हैं वो समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में खड़े हैं, बैनर और पोस्टर लिए हुए हाथों में, और कहीं ना कहीं कृषि कानून जो लाए गए हैं उनके खिलाफ में है। तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रोड बिल्कुल जाम कर दिया गया है, गाड़ियां जो है रुक गई है, और देखिए किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन का दौर जो जारी है। आरजेडी के नेता है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। राजेश जी, कब तक? ये आज हम लोग पहले ही घोषणा कर चुके थे, भारत बंद है, पूरे राज्य में बंद है, सभी जिला में प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ राजधानी में 12 बजे तक हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में, किसानों की मांग को लेकर के, केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ, जन नीति के विरोध के खिलाफ एक बंद का आह्वान है और उसका हम लोग समर्थन। रिजल्ट तो देखने को नहीं मिल रहा है ना सर, 4 महीने का ज़्यादा समय गुजर गया और अभी तक कुछ हुआ नहीं। किसान आंदोलन मोदी सरकार के पतन का कारण बनेगा,
क्या कहेंगे सर आप, जिस तरीके से पूरा रोड भी जाम कर दिया गया है, हालांकि कुछ असर तो दिख रहा है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें झारखंड में उतना असर नहीं देखने को मिलता। नहीं नहीं, असर तो पूरे देश में है। अगर आप बोलेंगे कि असर सिर्फ दिख नहीं रहा तो केंद्र सरकार को नहीं दिख रही है, जनता उसके साथ है, जनता लड़ रही है और केंद्र सरकार विरोध में है। किसान आंदोलन में जो काले कानून लाए हैं केंद्र सरकार, उसे निश्चित तौर पर आपस लेने पड़ेगी। जब तक आपस नहीं लेंगे तब तक किसान के साथ हम लोग के नौजवान, हमारे नौजवान, पार्टी के नौजवान उसके साथ में साथ रहेंगे और उसे किसी भी हाल में आपस लेने पड़ेंगे। केंद्र सरकार तो कह रही है कि पार्टियों को बरगलाया जा रहा है। नहीं ना, कि जिसके लिए कानून बनाए उनसे क्यों नहीं पूछे केंद्र सरकार, जिसके लिए कानून बनाया उसे पूछा ही नहीं। जब उनसे नहीं पूछा तो ये कानून बना किसके लिए? हम बोलते किसान अगर सहमत हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की, मैं इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।